हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है कल की डेट में यहाँ पर दोनों वीडियो पर थी दोनों वीडियो जैसे थी। उसी तरीके से आज के दिन एक खूनी खेल होता हुआ दिखाई दिया मार्केट में एक लाल रंग जिसे कहते हैं अच्छा खासा यहाँ पर मार्केट गिरता हुआ दिखाई दिया स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज कैप उसी हिसाब से यहाँ पर गिरते हुए दिखाई दिए जिस हिसाब से वो भागते हुए नजर आ रहे थे क्या हो सकता है अब अब क्या होना चाहिए उससे रिलेटेड हम यहाँ पर बातें करेंगे आज के दिन में तीन सौ इकतीस इकहत्तर पॉइंट की बट ये तीन सौ इकहत्तर पॉइंट की गिरावट नहीं है ये एक अच्छी खासी और भी ज्यादा पांच सौ पॉइंट से ज्यादा की यहाँ पर गिरावट है इसी तरीके से सेंसेक्स में एक अच्छी खासी गिरावट होती हुई दिखाई देती तो क्या करने की जरूरत है क्या हमें मार्केट से निकल जाना चाहिए या हमें बाय ऑन डिप्स करना चाहिए एग्जैक्टली exactly हमें क्या करना चाहिए क्या हो रहा है मार्केट में किस वजह से हो रहा है वो सब चीजों से रिलेटेड बातें करेंगे बट बिफोर दैट मार्केट में आगे बढ़े और जाने मार्केट का व्यू आपसे रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे और इसी तरीके से आप मार्केट में अप टू डेट भी रहे एज वेल एज ये मार्केट में जितने भी गिरावट होती है उसमें हमें करना क्या चाहिए क्या फायदा उठाना चाहिए या बेच देना चाहिए उस चीज के बारे में नॉलेज मिले मार्केट की गहराइयों के बारे में आपको पता चले आप भारत की इकोनॉमी के बारे में आपको पता चले आपको समझ में आए कि हमें यहाँ पर मार्केट जो ये गिरती है ओके ये किस वजह से गिरती है और मार्केट में क्या निकल जाना सॉल्यूशन होता है या इन्वेस्ट करना सोल्यूशन होता है वो आपको पता चले तो इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक रिक्वेस्ट है कि इतनी मेहनत करके वीडियोज बनाई जाती है तो हर एक वीडियो को जाके देखा करे लाइक किया करे कमेंट किया करे और जितना हो सके शेयर भी किया करे तो ये वीडियो की तरफ चलते हैं और नीचे यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर है क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट में आ गई है इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए इस गिरावट का फायदा उठाने के लिए अगर आप हमें यहाँ पर कांटेक्ट करना चाहते हैं कांटेक्ट करिए और आपको अच्छे स्टॉक यहाँ पर डेली बेसिस पे सजेस्ट किए जाते हैं वो तो आप यहाँ पर देखिए इससे अलग भी बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो कि यहाँ पर हम वीडियो में नहीं बता पाते जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम लैकिंग बट जितना कोशिश होती है उतना ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाने की कोशिश होती है तो और भी बेहतरीन यहाँ पर आपको स्टॉक्स पता चले हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं तो आइए वीडियो की तरफ तो देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर पहले टॉप बनाया 18,600 के आसपास का एक टॉप बनाने के बाद एक अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है लास्ट टाइम यहाँ पर गिरावट हुई थी तब तो आपको बताया था कि ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है मार्केट बट इसके साथ साथ हमने एक चीज और बताई थी कि ये चीज ये गिरावट और ज्यादा गहरा भी सकती है जस्ट बिकॉज यहाँ पर कुछ चार्ट पैटर्न भी सजेस्ट हो रहे थे और यह, यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर टारगेट भी नजर आ रहे थे एक ये टारगेट नजर आ रहा था इससे पहले एक ये टारगेट नजर आ रहा था और इसी के आसपास आज मार्केट आता हुआ भी दिखाई दिया है अब क्या हो सकता है मार्केट में क्या नहीं हो सकता है उससे रिलेटेड हम यहाँ पर बातें करेंगे बट उससे पहले कुछ डेटा देख लेते हैं अगर हम डेटा देखते हैं तो देखिए लगातार लगातार अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक यहाँ पर सेलिंग ही आती हुई दिखाई दी है मतलब फ्राइडे को भी यहां पर एक सेलिंग सेलिंग हुई हुई थी थी उससे पहले भी सेलिंग हुई थी। और पूरे महीने पर दिसंबर में हम सोच रहे थे कि मार्केट एक रिकवरी तो मोड में आएगी बट वो रिकवरी मोड में तो नहीं आई बट यहाँ पर सेलिंग होती हुई दिखाई दी बट यहाँ पर डी हमारे यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट को क्योंकि उन्हें पता है कि भारत की इकोनॉमी कैसी है अब आपने देखा है आपने जो भी आपके स्टॉक्स होंगे या फिर जो भी आप मार्केट में बने बने रहते हैं तो आप क्वार्टरली रिजल्ट भी देखते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आपने देखे होंगे तो हर एक कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स काफी बेहतरीन आए हैं जहां पर चीजें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है और यहां पर ओमिक्रोन का डर यहां पर बाहर की कंट्रीज में यहां पर हमें का इतना ज्यादा खतरा भी नहीं दिखाई दे रहा है वैक्सीनेशन सब कुछ हो चुका है एवरीथिंग इज गोइंग गुड ओके इन्फ्लेशन का थोड़ा सा यहाँ पर अगर बात करें महंगाई का यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक दिखाई दे रहा है बट वो धीरे 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 जब हम चलेंगे तो यहाँ पर सब चीज धीरे धीरे ठीक होती हुई नजर आएगी और अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर दिसंबर में अभी छब्बीस हजार करोड़ और ये आंकड़ा आज की डेट में और ज्यादा गहरा होता हुआ दिखाई देगा तो शायद और ज्यादा यहाँ पर तीस हजार करोड़ तक यहाँ पर हो सकता है आ, ओके आज के डेटा में लाके बट यहाँ पर कुछ और पॉइंट भी है कि यहाँ पर अमेरिकन जो होते हैं वो अपनी पोजिशन काट के एक हॉलीडे पे जाते हैं एक लंबी छुट्टियाँ मिलती है जो ऑलरेडी उन्हें अमेरिका की कंपनीज को छुट्टियाँ मिल चुकी है सब यहाँ पर छुट्टी हॉलीडे एंजॉय कर रहे हैं और एक तारीख के बाद दो तारीख तीन तारीख चार तारीख को जब मार्केट ओपन होगा ओके तब यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे एट द टाइम दे विल स्टार्ट बाइंग दोज थिंग्स ओके जो उन्हें अच्छी लेवल में मिलेगी तब तक यहाँ पर जितने भी ऑपरेटर होंगे कुछ लोग जो एफ यहाँ पर जो काम कर रहे होंगे अमेरिका में भी फिर भी यहाँ पर वो सेलिंग जो कर रहे होंगे वो करेंगे ऑब्वियस सी बात है

यहाँ पर मार्केट से यहाँ पर अप्रैल से लेके अभी तक यहाँ पर निकाले जा चुके है तो अगर हम देखेंगे सात आठ महीने में एक लाख सव, सवा लाख करोड़ रुपए यहाँ पर निकाले जा सके तो एक ये बड़ी फिगर है इसके बाद यहाँ पर मार्केट में कितना पैसा निकालेंगे मार्केट में पैसा डालने की बारी आ गई है अब मार्केट से निकालने वाली बारी नहीं आई है थोड़ा सा यहाँ पर डराएंगे कुछ टाइम यहाँ पर कंसोलिडेट करेंगे और फिर इसके बाद जब मार्केट भागेगी तो भारत का आउटलुक बहुत बेहतरीन है दो से तीन साल यहाँ पर मार्केट में पैसा ये सेंसेक्स को भी निफ्टी को भी यहाँ पर डबल ट्रिपल होने की बातें हो रही है और जब ये डबल और ट्रिपल होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका पैसा बनता हुआ दिखाई देगा तो इस केस में आपको क्या करना है इस केस में आपको चीजें बेचनी नहीं है आपको यहाँ पर चीजें खरीदने का मौका मिल रहा है हर एक बाई हर एक चीज को यहाँ पर बाई ऑन डिप्स करके यहाँ पर खरीदते रहिए खरीदते रहिए पैसा अपने आप बनेगा बट अच्छी चीजों में रहिए याद रखिए बेकार चीज अब वो जो माना गया कि आपने किसी में भी पैसा लगा दिया वो चार गुना हो गया वो दस गुना हो गया वो दो सौ गुना हो गया जैसे कि टी टी एम एल यहाँ पर भागे

रियलिटी में बनाएंगे ओके okay? उसके लिए हमें सिंपली अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है हमें मार्केट को फॉलो करना है हमें कुछ भी पैनिक में चीजें बेचनी नहीं है अगर हम पैनिक में चीजें बेच देंगे तो दैट वुल बी लूज ऑफ आर मनी तो अगर हम बात करें हमारे पैसे ही यहाँ पर गायब होते हुए नजर आएंगे हम इस तरीके से आज की डेट में जिन्होंने बेका हुआ कल की डेट में अगर मार्केट यहाँ पर तीन सौ पॉइंट ऊपर खुलती है और ये सत्रह हजार के आसपास आती है तो वो हर एक शेयर पांच पांच दस दस परसेंट ऊपर भागेगा तो उन्होंने तो नीचे बेच दिया बट उनके शेयर यहाँ पर दस दस परसेंट भाग गया तो ये ऐसा मार्केट में होता है तो इस चीज को थोड़ा सा ज्ञान थोड़ा सा ध्यान दे और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अब आउटलिक की अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए मार्केट में थोड़ी सी अगर गिरावट हुई तो यहाँ पर दो दो यहाँ पर पॉइव पॉइंट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं दो रेजिस्टेंस बनते हुए नजर आ रहे हैं जो कि यहाँ पर एक तो यही बनता हुआ नजर आ रहा है ओके ये जो ये सोलह हजार के आसपास का है सोलह हजार के आसपास इसके अलावा एक पॉइवेट पॉइंट्स की और बात करें तो ये वाला पंद्रह तो ह, हजार पॉइंट की गिरावट यहाँ पर और हो सकती है इससे ज्यादा कभी भी गिरावट मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा गिरावट होगी और यहाँ पर मुझे लगता है कि कल की डेट में ही यहाँ पर एक आध दिन में इसी के आसपास थोड़ी बहुत यहां पर करेगी और कंसॉलिडेट करके चीजें ऊपर निकलेगी अगर मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें दिखाऊं तो ऐसा ही देखिए यह ये यहाँ पर से आपको कुछ इस चार्ट में पूरा में दिखाई दे रहा है कुछ इसी तरीके से यहाँ पर भी हुआ था अगर आप यहाँ पर देखेंगे एक यहाँ पर गिरावट होती हुई दिखाई दी थी ओके यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट हुई फिर हुई शेयर ऊपर भागा और यहाँ पर देखिए इसी तरीके से एक कंसोलिडेशन नीचे गिर के कंसोलिडेशन हुआ इसी तरीके से नीचे गिर के यहाँ पर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होगा ये समझिए ये पूरा का पूरा एक कंसोलिडेशन का फेज है तो ये पूरा का पूरा एक कंसोलिडेशन का फेज चलता हुआ यहाँ पर नजर आ सकता है कुछ टाइम के लिए यह समझिए कि आप पांच दस दिन जब तक ये एफ लौट के नहीं आ रहे क्रिसमस यहाँ पर न्यू ईयर ये खत्म नहीं हो रहा तब तक ये यहाँ पर ही इसी तरीके से चीजें यहाँ पर कंसोलिडेट करेगी ओके सत्रह हजार जाएगी फिर सोलह हजार आएगी

अगर आप यहां पर निफ्टी बैंक देखेंगे तो निफ्टी बैंक में भी एक अच्छी खासी यहाँ पर मैसिव गिरावट होती हुई दिखाई दी बट सबसे अच्छी बात है कि आज पर ये क्लोज हुआ है वही इससे पहले यहाँ पर दो तीन बार यहां पर रेजिस्टेंस लेके यहाँ पर चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दी है तो यहां पर एक कंसोलिडेशन एक लंबा कंसोलिडेशन यहाँ पर हुआ है और मुझे तो बैंक निफ्टी यहाँ पर पॉजिटिव हूं मैं ओके जस्ट बिकॉज ऑफ सम रेगुलेशन आरबीआई की तरफ से होते हुए दिखाई दे रहे हैं ओके उस वजह से यहां पर भी एक विक� प्रेशर बना हुआ था बट चीजें यहाँ पर ज्यादा गिरती हुई नहीं दिखाई दे रही बट यहाँ पर अगर गिरती भी है तो वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी यहाँ पर अगर बात करें लास्ट अगर गिरी भी तो थर्टी थाउजेंड के आसपास आती हुई दिखाई दे रही है बट इतनी ज्यादा मैसिव गिरावट मुझे नहीं लगता यहाँ पर चीजें ऊपर जाती है नीचे आती है समझ सकते हैं और नीचे आना लाजमी भी है और अच्छा भी है बट क्योंकि नीचे ऊपर जाके बेचेंगे और नीचे आके खरीदेंगे तभी तो हमें प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा तभी हमारा स्विंग ट्रेड कम्प्लीट होता हुआ दिखाई देगा तो यहाँ पर चीज़ें अब यहाँ पर चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई देती है आर की बात करें ट्वेंटी के आर पे चल रहा है इतने आर पे जब भी हमने देखा है कि यहाँ पर चीज़ें जब आई है ट्वेंटी के आस यहाँ पर नीचे आती हुई दिखाई दे यहाँ पर आई है फिर ऊपर गई है यहाँ पर आइए फिर ऊपर गई है तो ये इस तरीके से चलता रहेगा सेम एज़ इट इज यहाँ पर निफ्टी फिफ्टी में होता हुआ दिखाई दिया rsi के आसपास आ गया थोड़ी बहुत मैसेज थोड़ी सी गिरावट हो सकती है 32 के आसपास चल रही है फिर ऊपर चीजें भागती हुई दिखाई देगी इसके अलावा निफ्टी मिड कैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर निफ्टी मिड कैप समझ में आता है हमें 100 निफ्टी मिड निफ्ट कैप 100 हमने ले लिया तो यहाँ पर आपको समझ में आएगी कि इसने जो यहाँ पर ऊपर के लेवल पे सपोर्ट था वो इसने आज की डेट में रेजिस्टेंस बनाया और यहां पर से ऊपर जाके इस वाले रेजिस्टेंस को इसने फॉलो करके यहाँ पर क्लोज क्लोज हुआ है तो यहाँ से चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है नीचे नहीं थर्टी के आर पे आ गया है चीजें यहाँ पर गिर चुकी है और जो इस तरीके से गिरती हुई चीजें दिखाई दे रही है अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको बटोरने का मौका मिल रहा है निफ्टी मिड कैप में भी निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो निफ्टी स्मॉल कैप की बात कर लेते हैं निफ्टी स्मॉल कैप भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा देखिए निफ्टी स्मॉल कैप हंट रहे इसमें भी इसी तरीके से गिरावट हुई है और यहाँ पर एक सब खुट बनाती हुई चीजें दिखाई दे रही है इसमें भी अच्छी खासी चार की आज की गिरावट

अगेन यहाँ पर भी थाउजेंड पॉइंट्स की गिरावट हो सकती है वो थाउजेंड पॉइंट्स की गिरावट होगी तो बाय एंड एज वेल एज यहाँ पर नीचे में खरीदने का मौका होगा तो याद रखिएगा इसके अलावा हम बात कर लेते हैं और भी कुछ चीज की तो निफ्टी आईटी की अगर हम बात करें आईटी के नंबर अच्छे खासे है हर एक कंपनी अपने आप को बेहतर बनाने में लगी हुई है एकदम डिजिटल बनाने में लगी हुई है आई पे खर्च कर रही है चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो जब ऐसी चीजें हो रही है तो यहाँ पर देखिए एक लंबा बस कंसोलिडेशन में जा रही है चीजें ऊपर जा रही है नीचे आ रही है एक लंबा कंसोलिडेशन चीजें अगर फिर भी नीचे

same as it is यहाँ पर निफ्टी मेटल भी दिखाई देता है यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत सारे आज एक वीडियो टाटा स्टील पे बनाऊंगा मैं तो उस नेक्स्ट वीडियो को जाके देखिए थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है जब गिरावट होती है तो अगेन यहाँ पर एक चार सौ पांच सौ पॉइंट यहाँ पर नीचे आ सकता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी बट यहाँ से मुझे एक रेजिस्टेंस नजर आता है बार बार चीजें यहाँ पर रुकती हुई नजर आई है और यहाँ पर कंसल्टेशन भी लंबा हुआ है तो यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी है ना कि सेलिंग की इसके अलावा हम बात कर लेते हैं और भी क्वेश्चन निफ्टी एफ की तो निफ्टी एफ आप देख सकते हैं

आरएसआई पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग आरएसआई को फॉलो भी करते हैं खरीदनी होगी बेहतरीन चीजें खरीदेंगे तो अच्छा खासा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा इसके अलावा निफ्टी फार्मा की बात कर लेते हैं निफ्टी फार्मा ने एज एक गिरावट तो दिखाई दी बट वहीं पर ही सपोर्ट बनाता हुआ दिखाई दे एक बेहतरीन सपोर्ट ये यहाँ पर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है निफ्टी फ्टी ओमिक्रॉन अगर आता है तो निफ्टी फार्मा के बहुत सारे शेयर यहां पर भागते हुए दिखाई देंगे आपको चुनना है आपको सीखना है बहुत सारे स्टॉक्स को यहाँ पर आप डेली वाइज यहाँ पर ट्रैक करते रहिए आपको समझ में आ जाएगा निफ्टी फार्मा में कौन से बेहतरीन स्टॉक्स पर दिखाई देते हैं निफ्टी हेल्थ केयर में पर कौन से आपको स्टॉक्स यहां पर दिखाई देते हैं निफ्टी फाइनेंस में आपको कौन से यहाँ पर स्टॉक्स दिखाई देते हैं सबको आपको चूज करना पड़ेगा आपको उसके लिए स्टडी करनी पड़ेगी अदरवाइज हमारे यहाँ पर पूरे स्टॉक्स को आप यहाँ पर वीडियोस को लास्ट तक देखा करें तो आपको समझ में

तो आप यहाँ की तरफ देखते रहिए यहाँ पर देख अच्छे अच्छे स्टॉक जो गिरते हुए नजर आ रहे हैं बहुत सारे स्टॉक चार चार पांच पांच परसेंट गिरे हैं और अपने ऊपर हाई लेवल से तो तो गिर चुके हैं तो उनकी तरफ नजर बनाइए सारे शेयर जब भागना शुरू करेंगे धीरे 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 एक स्टॉक का आपका एक पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा हर एक इंडेक्स का और पैसे बनते हुए फिर हर जो भी जब भी एक जिस भी सेक्टर में रैली आएगी आपका अपने आप पोर्टफोलियो ऊपर जाता हुआ नजर आएगा तो इसी तरीके से पोर्टफोलियो भी क्रिएट करते हैं इसी तरीके से आप यहाँ पर अपने स्टॉक्स uh, को चूज भी कर सकते हैं तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं अपने फाइनेंशर कुछ की स्टडी करनी है वीडियोस को लाइक like करना है कमेंट करना है शेयर करना है जितना हो सके सपोर्ट करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है बेलाइकन को हिट करना है सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस